Dear students, welcome in the lecture on metal beta diketonates. तो प्यारे बच्चों, आपका स्वागत है इस वीडियो लेक्चर में, जहां पर हम मेटल बीटा डाइकीटोनेट्स के बारे में पढ़ेंगे. अब आप ये देखेंगे, बिल्कुल डिफरेंट टाइप का लेक्चर है, जहां पर आप देख रहे हैं किस तरीके से जो ऑर्गेनिक लिगेंड्स हैं, जो बीटा डाइकीटोनेट्स हैं, वो भी मेटल के साथ बॉन्ड बनाकर कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन कर सकते हैं. और ये किस तरीके के कॉम्प्लेक्स, अगेन दीज आर ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड्स. तो यहाँ पर हम स्पेशली डिस्कस करने वाले हैं जो मेटल बीटा डाइकीटोनेट्स हैं, उनमें कौन सा लिगेंड यूज होता है कॉम्प्लेक्सेस में, बीटा डाइकीटोन. और बीटा डाइकीटोन का हम जनरल इंट्रोडक्शन देखेंगे, देन हम देखेंगे कि ये जो कॉम्प्लेक्सेस हैं, ये किस तरीके से सिंथेसाइज किए जाते हैं, क्या इनकी प्रॉपर्टीज होती है और क्या इनकी एप्लीकेशंस होती हैं. तो इसके बारे में हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे. देखेंगे हम कि बाई फंक्शनल लिगेंड की तरह एक्ट करता है एक बीटा डाइकीटोन. तो बीटा डाइकीटोनेट्स को पढ़ने से पहले हमें पहले उस लिगेंड के बारे में जानना होगा जो मेटल के साथ मिलके कॉम्प्लेक्स बना रहा है, और उस लिगेंड का नाम है बीटा डाइकीटोन. तो बीटा डाइकीटोन एक बाई फंक्शनल लिगेंड है, मतलब उसमें दो फंक्शनल साइट्स होती हैं, दो फंक्शनल उसमें ग्रुप्स हैं. और बीटा डाइकीटोन को हम 1,3 डाइकीटोन भी कहते हैं, जिसमें कि आप देखेंगे 2 कार्बोनिल ग्रुप्स प्रेजेंट रहते हैं. और ये जो 2 कार्बोनिल ग्रुप्स हैं, दे आर सेपरेटेड बाय 1 कार्बन एटम. और वो कार्बन एटम कैसा है, अल्फा कार्बन. तो अल्फा कार्बन से 2 कार्बोनिल ग्रुप्स सेपरेटेड होते हैं, इसलिए हम इसे बाई फंक्शनल लिगेंड कह रहे हैं. और ये जो डाइकीटोन्स हैं, दे फॉर्म स्टेबल कीलेट्स. ये स्टेबल कीलेट्स बनाते हैं. जनरली दे फॉर्म 6 मेंबर्ड कीलेट्स विद मोस्ट ऑफ द मेटल आयंस. अधिकतर मेटल आयंस के साथ ये 6 मेंबर्ड कीलेट्स बनाते हैं. और सिंपलेस्ट अगर हम डाइकीटोन को देखेंगे तो वो है एसिटाइल एसीटोन, जिसको हम एसी से दिखाते हैं. इसको आप देखेंगे, अगर इसकी फॉर्म्स अगर आप देखेंगे, तो ये जो एसिटाइल एसीटोन है, तो ये कैसे हम दिखाते हैं इसके कॉम्प्लेक्स को, MACAC होल N, ठीक है. और ये जो कॉम्प्लेक्स हैं, ये टेट्राहेड्रल हो सकते हैं, स्क्वायर प्लेनल हो सकते हैं, ऑक्टाहेड्रल हो सकते हैं. और बॉन्डिंग इन कॉम्प्लेक्सेस में जनरली कहाँ से होती है, ऑक्सीजन के थ्रू. तो ऑक्सीजन के थ्रू बॉन्डिंग होती है, यानी मेटल के साथ कौन जुड़ता है, ऑक्सीजन जुड़ता है, ठीक है. इसके अलावा आप देखेंगे ये जो कॉम्प्लेक्स होते हैं, ये पॉली न्यूक्लियर ब्रिज्ड कॉम्प्लेक्स होते हैं. पॉली न्यूक्लियर कॉम्प्लेक्स बन सकते हैं, कार्बन बॉन्डेड कॉम्प्लेक्स भी बन सकते हैं. तो आपने देखा, पहला तो आपने देखा ऑक्सीजन एटम के थ्रू बॉन्ड हो सकता है जो कीटोन से है मेटल के साथ. पॉली न्यूक्लियर भी बन सकते हैं, ये एक से ज्यादा न्यूक्लियस यानी एक से ज्यादा मेटल हो सकते हैं. फिर आप देखेंगे कि कार्बन से भी बॉन्ड हो सकता है, जो मेटल है वो कार्बन के थ्रू भी बॉन्ड हो सकता है कुछ कॉम्प्लेक्सेस में, और कुछ कॉम्प्लेक्सेस में ओलिफिनिक लिंकेजेस भी हो सकते हैं. तो इस तरीके से आप देखेंगे जो बीटा डाइकीटोन है, वो कीलेट का फॉर्मेशन करता है, 6 मेंबर्ड कीलेट्स बनाता है, ठीक है. अब अगर आप देखेंगे कि मोस्ट ऑफ द बीटा डाइकीटोन्स जो होते हैं, उनमें अल्फा सब्स्टिट्यूएंट क्या होता है, हाइड्रोजन एटम. अल्फा कार्बन पर क्या होता है, हाइड्रोजन एटम्स, यानी अल्फा हाइड्रोजन्स पाए जाते हैं. और कहीं कहीं पर आप देखेंगे अल्फा सब्स्टिट्यूएंट्स पर एच की अलावा और भी ग्रुप्स मिलते हैं, उनको सब्स्टिट्यूट करके डिफरेंट टाइप के बीटा डाइकीटोनेट्स बनाए जा सकते हैं. एल्काइल ग्रुप्स हैं, जैसे फ्लोरिनेटेड एल्काइल ग्रुप्स हैं, एरोमेटिक है, हेट्रो एरोमेटिक ग्रुप हैं, वो कार्बोनिल पर भी क्या हो सकते हैं, सब्स्टिट्यूटेड हो सकते हैं. तो आप देखेंगे जो अल्फा कार्बन है, वो भी सब्स्टिट्यूटेड हो सकता है हाइड्रोजन के अलावा और किसी ग्रुप से, और जो कार्बोनिल का जो कार्बन है, वहां पर भी डिफरेंट ग्रुप्स का सब्स्टिट्यूशन हो सकता है. उसी अकॉर्डिंग डिफरेंट टाइप के मेटल बीटा डाइकीटोनेट्स बनाए जा सकते हैं. अब अगर हम बीटा डाइकीटोन्स को देखेंगे, मैंने आपसे कहा कई तरीके के बीटा डाइकीटोन्स होते हैं, जैसे आप देख सकते हैं ये देखिए एक बीटा डाइकीटोन जो कि सबसे सिंपल है, जिसको हम एसिटाइल एसीटोन कहते हैं, CH3CO CH2CO CH3. तो यहां पर आप देखेंगे जो अल्फा कार्बन है, वहां पर क्या है, हाइड्रोजन सब्स्टिट्यूएंट है. अल्फा कार्बन पर कौन है, हाइड्रोजन सब्स्टिट्यूएंट है. दूसरे तरीके का बीटा डाइकीटोन आप देख सकते हैं, देखिए यहां पर आप देख सकते हैं कि ये जो ग्रुप्स है, देखिए जो इस पोजीशन पर जो यहां पर आप देख रहे हैं, जो कि CH3 था, वो क्या है, आप देखिए
ये CH CH3 CH3। तो इस तरीके से ग्रुप्स जो है वो चेंज किए जा सकते हैं सब्स्टिट्यूएंट्स। तो ये कंपाउंड क्या है, ये जो डाइकीटोन है ये क्या है, 2,6-dimethyl-3,5-heptadienone। तो ये कॉम्प्लेक्स देखिए, अब यहां पर देखिए ये जो CH3 था वहां पर एच की जगह पर एफ आ गया, तो ट्राईफ्लोरो एसिटाइल एसीटोन हो गया। ये एसिटाइल एसीटोन है, ये ट्राईफ्लोरो एसिटाइल एसीटोन हो गया। फिर आप देखिए यहां पर जो ग्रुप है वो CF3 की जगह पर क्या आ गया, या आप देख सकते हैं कि यहां पर जो CH3 था उसकी जगह पर क्या आ गया, बेंजीन रिंग आ गई, तो ये बेंजोइल एसीटोन हो गया। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं कि डिफरेंट सब्स्टिट्यूएंट चेंज करके बीटा डाइकीटोन को चेंज किया जा सकता है, और फिर ये जो बीटा डाइकीटोन है जनरली इस ऑक्सीजन की ओर से मेटल से बाइंड करते हैं, कई जगह पर ये कार्बन से भी बाइंड कर सकते हैं, और क्या बनाते हैं, मेटल बीटा डाइकीटोनेट्स का फॉर्मेशन ये करते हैं। ठीक है, इस तरीके से आप देखेंगे कि जो एक इम्पॉर्टेंट आस्पेक्ट है बीटा डाइकीटोन्स का वो ये है कि जो बीटा डाइकीटोन्स हैं दे शो कीटो इनोल टॉटोमेरिज्म। ये कीटो एनोल इनोल टॉटोमेरिज्म शो करते हैं। कीटो इनोल टॉटोमेरिज्म का मतलब है कि ये जो एक फॉर्म है, जो कीटो फॉर्म है, ये इनोल फॉर्म में कन्वर्ट होती है, और ये एक दूसरे के साथ इक्विलिब्रियम में रहते हैं। जो बीटा डाइकीटोन है ये एक एनायन बना सकता है, फाइनली इट कैन फॉर्म एन एनायन, जिसको हम बीटा कीटोनेट एनायन कहते हैं। तो आप देखिए ये बीटा कीटोन है, कीटो फॉर्म है, और ये इनोल फॉर्म है। तो कीटो और इनोल फॉर्म में ये चेंज होता रहता है, और ये जो इनोल और कीटो फॉर्म है टोटल जो ये एक फॉर्म देती है उसको हम बीटा कीटोनेट कीटोनोलेट आयन कहते हैं, जिस पर ये आप देखेंगे नेगेटिव चार्ज होता है। और इनोल फॉर्म में अगर आप देखेंगे जो इनोल फॉर्म है, यहां पर ये जो हाइड्रोजन होती है देखिए OH की, ये इस CO ग्रुप के ऑक्सीजन के साथ हाइड्रोजन बॉन्डेड होती है। तो इस तरीके से आप देखेंगे जो स्पेशलिटी है इस पर्टिकुलर लिगेंड की वो ये है कि इट शोज कीटो इनोल टॉटोमेरिज्म, और इस कीटो इनोल टॉटोमेरिज्म की वजह से इट फॉर्म्स बीटा कीटो इनोलेट आयन। बीटा कीटो इनोलेट आयन जो है इट कैन इजिली फॉर्म बॉन्ड विद द मेटल कॉम्प्लेक्सेस, क्योंकि इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आ गया, और मेटल्स दे आर जनरली इलेक्ट्रोपॉजिटिव इन नेचर, तो इसलिए आप देखेंगे कि ये क्या बनाता है, स्टेबल कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन करता है। अब ये जो कीटो इनोल इक्विलिब्रियम है, ये जो कीटो इनोल इक्विलिब्रियम आपने देखा था कीटो फॉर्म और इनोल फॉर्म के बीच में जो इक्विलिब्रियम है, ये कुछ फैक्टर्स पर डिपेंड करता है कि ये जो इक्विलिब्रियम है इस ओर शिफ्ट हो या वो इस ओर शिफ्ट हो। तो कीटो इनोल जो इक्विलिब्रियम है वहां पर कीटोन पार्ट ज्यादा होगा या फिर इनोल फॉर्म ज्यादा होगा, ये डिपेंड करेगा कुछ फैक्टर्स के ऊपर। वो फैक्टर्स क्या है, सब्स्टिट्यूएंट ऑन बीटा डाइकार्बोनिल सिस्टम। जो बीटा डाइकार्बोनिल सिस्टम है यानी बीटा कीटोन्स का जो कार्बोनिल सिस्टम है CO, वहां पर सब्स्टिट्यूएंट क्या है। फिर आप देखेंगे दूसरा जो फैक्टर है वो है सॉल्वेंट, तीसरा फैक्टर है टेम्परेचर, एंड चौथा फैक्टर है कि प्रेजेंस ऑफ अदर स्पीसीज दैट कैन फॉर्म हाइड्रोजन बॉन्ड। तो अब हम पहला फैक्टर डिस्कस करेंगे जो कि है इफेक्ट ऑफ सब्स्टिट्यूएंट। सब्स्टिट्यूएंट का क्या इफेक्ट होता है कीटो इनोल फॉर्म के इक्विलिब्रियम में। तो अगर हम देखेंगे कि जो अल्फा पोजीशन पर अगर एल्काइल ग्रुप बढ़ा दिया जाए, एल्काइल ग्रुप सब्स्टिट्यूट कर दिया जाए, तो इनोल फॉर्म डिक्रीज होती है। क्यों होती है वो हम देखेंगे, क्योंकि हम पहले एक बार कीटो इनोल फॉर्म को और देखेंगे, और हम ये देखेंगे कि जब वो डाइकीटोन होता है तब उसमें कौन सी फॉर्म अधिक होती है, कीटो फॉर्म या इनोल फॉर्म। और जब हम एल्काइल ग्रुप से सब्स्टिट्यूट करेंगे अल्फा कार्बन को तो कहां शिफ्ट होगा इक्विलिब्रियम, और अगर हम इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप से सब्स्टिट्यूएंट को चेंज करेंगे या फिनाइल ग्रुप से चेंज करेंगे तो कीटो इनोल फॉर्म कैसे शिफ्ट होगा। ओके, तो इसके लिए हम पहले एक कीटो इनोल फॉर्म को हम एक बार और चेक करना चाहेंगे जो डाइकीटोन्स शो करते हैं, उसको हम बना के देखते हैं पहले। तो अगर हम एक डाइकीटोन को देखें, ओके, तो ये एक डाइकीटोन है, ओके, तो इस डाइकीटोन में ये अल्फा कार्बन एटम है, दिस इज अल्फा कार्बन एटम, और यहां पर दो कार्बोनिल ग्रुप है, ओके, इसीलिए ये डाइकार्बोनिल ग्रुप है, और इसमें जो हाइड्रोजन है अल्फा हाइड्रोजन, दो अल्फा हाइड्रोजन हम इस तरीके से दिखाते हैं। अब यहां पर आप देखेंगे कि ये एक दूसरे के इक्विलिब्रियम में होंगी दो फॉर्म,
ये दूसरी फॉर्म अगर आप देखेंगे तो इस तरीके की फॉर्म होगी, जहां पर ये जो अल्फा हाइड्रोजन है वो कहाँ शिफ्ट हो जाता है, ओ के पास शिफ्ट हो जाता है दूसरे कार्बोनिल के, और इस तरीके से हमें जो ये इनोल फॉर्म मिलती है। तो दिस इज कीटो फॉर्म एंड दिस इज इनोल फॉर्म। तो अगर हम देखेंगे कि ये फॉर्म अधिक है या ये फॉर्म अधिक है, तो आप देखेंगे जो इनोल फॉर्म है वो लगभग 80 to 85% होती है नॉर्मली मीडियम में, ये दोनों इक्विलिब्रियम में होते हैं, और कीटो फॉर्म 15% के आसपास एग्जिस्ट करती है। तो ये क्यों इनोल फॉर्म जो है वो स्टेबल होती है, तो इनोल फॉर्म के स्टेबल होने का कारण एक ये है, नंबर वन बात कि जो हाइड्रोजन है वो क्या करता है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग करता है दूसरे कार्बोनिल ग्रुप के ऑक्सीजन के साथ। ये देखिए, सो यहां पर क्या हो गया, हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो गई तो इनोल फॉर्म स्टेबल होगी, और ये जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग है इसकी वजह से आप देखेंगे एक तरीके का इसने सिक्स मेंबर्ड किलेट बना दिया, 1 2 3 4 5 6, तो सिक्स मेंबर्ड रिंग बना दी है, इसलिए ये जो इनोल फॉर्म है ये क्या है, स्टेबल है। दूसरा रीजन और है, एक जो रीजन है जिसकी वजह से इनोल फॉर्म स्टेबल होती है एसिटाइल एसीटोन की, दूसरा जो रीजन आप देखेंगे इनोल फॉर्म के स्टेबलाइजेशन का, वो है कंजुगेशन। अगर हम इनोल फॉर्म को देखें, देखिए अगर हम इनोल फॉर्म को मैं फिर से बनाऊ यहां पर, तो आप ये देखेंगे कि यहां पर जो डबल बॉन्ड है कार्बोनिल का वो कंजुगेशन में रहता है, किसके साथ, जो डबल बॉन्ड सी और सी के बीच में होता है। तो अगर मैं इस तरीके की सिंपल फॉर्म यहां पर बनाऊं, ये OH है और ये H है, तो आप ये देखेंगे कि ये जो जो आप देखेंगे जो डबल बॉन्ड है ये डबल बॉन्ड ऐसे शिफ्ट होता है, और यहाँ पर लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं ऑक्सीजन के पास, तो ये लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन ऐसे शिफ्ट होते हैं और ये ऐसे शिफ्टिंग होगी। तो इस तरीके से आप देखेंगे कि ये जो हमें इसका जो दूसरा फॉर्म मिलेगा, यहाँ पर आप कंजुगेटेड डबल बॉन्ड्स देखेंगे, और इसकी वजह से आप देखेंगे कि ये क्या होता है, स्टेबलाइज हो जाती है जो कौन सी फॉर्म होती है, जो आप देखेंगे जो इनोल फॉर्म होती है वो स्टेबलाइज हो जाती है। तो दो कारण है इनोल फॉर्म के स्टेबलाइजेशन के, और वो है एक तो इसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग, और दूसरा आप देखेंगे ये जो इनोल फॉर्म है यहाँ पर डबल बॉन्ड इज इन कंजुगेशन विद दी कार्बोनिल डबल बॉन्ड, तो इसलिए ये जो फॉर्म है ये प्रीडोमिनेट करती है इन केस ऑफ डाइकीटोन्स। तो इनोल जो अमाउंट है उसका लगभग 85% प्रेजेंट रहता है। और अगर मैंने आपसे कहा कि हम अगर एल्काइल ग्रुप की प्रेजेंस की बात करें कि जो अल्फा पोजिशन है वहां पर, अगर ये देखिए यहाँ पर ये बीटा डाइकीटोन मैं बना रही हूँ, यहाँ पर अगर आप देखेंगे यहाँ तो जो H थे, अगर उस H में से अगर मैं एक रिप्लेस कर दूं, एक तो H और एक CH3 हो, तो ये अगर मैं रिप्लेस कर दूं तो ये ग्रुप क्या करेगा, इस हाइड्रोजन की एसिडिटी को कम कर देगा, और ये हाइड्रोजन की एसिडिटी अगर कम होगी तो ये ऑक्सीजन जो हाइड्रोजन है वो यहाँ पर ट्रांसफर नहीं होगा, और इनोल फॉर्म का फॉर्मेशन क्या होगा, डिप्रेस हो जाएगा, कम हो जाएगा। और यहाँ पर अगर मैं इसे रिप्लेस कर दूं इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप से, अगर मैं यहाँ पर CF3 ग्रुप दिखा दूं, तो ये CF3 ग्रुप क्या करेगा, यहाँ से इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करेगा, और इस वजह से इस हाइड्रोजन की एसिडिटी को इंक्रीज करेगा और इनोल फॉर्म का फॉर्मेशन अधिक से अधिक होगा। इस केस में ये आसानी से हाइड्रोजन प्लस की फॉर्म में यहाँ शिफ्ट हो सकता है, इसलिए आप देखेंगे इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है जैसे CF3 है या फिनाइल ग्रुप है, दे इंक्रीजेस द अमाउंट ऑफ इनोल फॉर्म इन केस ऑफ बीटा डाइकीटोन्स। तो इसलिए जो इनोल और जो जो कीटो फॉर्म होती है ये डिपेंड कर रही है कि जो अल्फा पोजीशन पर जो सब्स्टिट्यूएंट है वो कैसा है। दूसरा हमने जो जो फैक्टर कहा था वो था सॉल्वेंट, अगर सॉल्वेंट की पोलैरिटी लो होगी तो उस केस में इनोल फॉर्म का परसेंटेज क्या होता है, अधिक होता है। तो लो पोलैरिटी के सॉल्वेंट में इनोल फॉर्म का अमाउंट क्या होगा, बढ़ जाएगा। और अगर हम टेम्परेचर देखेंगे तो अगर टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे तो इनोल फॉर्म क्या होगी, डिक्रीज हो जाएगी, क्योंकि इक्विलिब्रियम क्या होगा, शिफ्ट होगा फटाफट, जल्दी 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 हायर टेम्परेचर पर जो इक्विलिब्रियम है वो फास्ट होगा। ओके, तो इस वजह से आप देखेंगे कि इनोल फॉर्म में क्या आएगा, चेंज आएगा। तो वो डिफरेंट फैक्टर्स थे जो कि जो इनोल फॉर्म है उस वो अधिक होगी या कम होगी उसको अफेक्ट कर रहे थे। अब हम देखेंगे जो एसिडिक बिहेवियर है बीटा डाइकीटोन्स का वो
क्या होता है, वो कैसे अफेक्टेड होता है। तो आप देखेंगे कि अगर हम डीप्रोटोनेशन करें, अल्फा कार्बन में से हाइड्रोजन को रिमूव करें, ठीक है, या फिर जो एल्कोहलिक ग्रुप है इनोल फॉर्म, वहां से प्रोटॉन को रिमूव करना, दो पोजीशन है। अगर मैं कीटो फॉर्म की बात करूं तो कीटो फॉर्म में जो अल्फा कार्बन है उसका हाइड्रोजन, और अगर इनोल फॉर्म है तो एल्कोहलिक ग्रुप का हाइड्रोजन। देखिए अगेन आप देख सकते हैं यहां पर, ये देखिए कीटो फॉर्म है तो यहां का जो ये अल्फा हाइड्रोजन है इसकी एसिडिटी, और जो इनोल फॉर्म है वहां पर इसकी एसिडिटी। ये किस फैक्टर पर इफेक्ट करती है, कौन सा बिहेवियर है? तो अगर हम देखेंगे जो एसिडिक बिहेवियर है बीटा डाइकीटोन के हाइड्रोजन का, वो किस पर डिपेंड करता है? इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप्स। इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप्स क्या करते हैं? एसिडिटी को इंक्रीज करते हैं। इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप क्या करते हैं? एसिडिटी को डिक्रीज करते हैं। इसीलिए जो अल्फा हाइड्रोजन है इट इज हाईली एसिडिक ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ टू कार्बोनिल्स एंड कैन बी रिमूव्ड इवन बाय द वीक बेस। तो अगर आप यहाँ पर कीटोनिक फॉर्म में देखेंगे तो जो एसिडिक जो हाइड्रोजन है वो इस कार्बन की हाइड्रोजन एसिडिक है, क्योंकि यहाँ पर दो कार्बोनिल ग्रुप है। ये दो कार्बोनिल क्या करते हैं? इसकी एसिडिक बिहेवियर को बढ़ाते हैं, और तभी ये क्या करता है, एक वीक बेस की प्रेजेंस में भी हाइड्रोजन इजिली रिमूव हो सकता है, पहला हाइड्रोजन। और दूसरा हाइड्रोजन रिमूव करने के लिए स्ट्रॉन्ग बेस की अधिक जरूरत पड़ेगी। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं जो एसिडिक बिहेवियर है बीटा डाइकीटोन्स का अफेक्टेड होता है by electron withdrawing and electron donating groups से। अब अगर हम देखें कि जो beta diketones होते हैं उनको हम कैसे abbreviate करते हैं, किस तरीके के वो complex form करते हैं, तो आप देखेंगे जो beta ketoenolate हैं इनके लिए जो abbreviation है वो TIKE है। तो ये देखिए जो complexes बनाते हैं generally M beta dike thrice and twice general complexes हैं, और जो बीटा डाइक फोर कॉम्प्लेक्सेस हैं ये नॉन रिजिड कॉम्प्लेक्सेस हैं और मोस्ट कॉमन नहीं होते हैं। और अगर बीटा जो कीटोन्स हैं डाइकीटोन्स में अगर बल्की ग्रुप प्रेजेंट होंगे तो मोनोमर्स का फॉर्मेशन होगा, नहीं तो ये जनरली पॉलीमर्स का फॉर्मेशन, डाइमर ट्राइमर टेट्रामर का फॉर्मेशन ये करते हैं, ठीक है। और अगर हम मोनोमर्स को देखें तो जनरली मोनोमर्स जो है वो इजीली सॉल्वेटेड होते हैं H2O से, पाइरिडीन से, ROH से, तो वो क्या करते हैं इस तरीके के कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन कर सकते हैं M डाइक 2 L1 टू 2। तो यहां पर जो L है वो क्या है, ये सॉल्वेशन सॉल्वेटेड मॉलिक्यूल्स हैं, सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल हैं, H2O हो सकता है, पायरिडीन हो सकता है, ROH हो सकता है। तो मोनोमर्स के केस में ये आसानी से सॉल्वेट हो जाते हैं, ठीक है। और अगर हम ट्रांजिशन मेटल्स के केस में देखें या लेंथेनाइट के केस में देखें तो ऑक्सीजन एटम के थ्रू, दोनों ऑक्सीजन एटम के थ्रू मेटल बाइंड होता है और कीलेट रिंग फॉर्म करता है। बस कुछ आप देखेंगे जो थर्ड रो के जो ट्रांजिशन एलिमेंट्स हैं जैसे प्लेटिनम है, इरिडियम है, इनके केस में आप देखेंगे एसिटाइल एसीटोन जो है वो सेंट्रल कार्बन एटम के थ्रू जुड़ा रहता है। तो जनरल एस्पेक्ट्स हैं उसके जो कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन के, जनरल अगर आप ट्रेंड देखेंगे तो वो इस तरीके का दिखाई देगा। अब अगर हम बीटा डाइकीटोनेट्स देखें जो कॉम्प्लेक्स है मेटल के साथ, वो कितने तरीके के होते हैं? मेन तीन तरीके के मेटल बीटा डाइकीटोनेट्स होते हैं। एक मेटल बीटा डाइकीटोनेट्स जहां पर ऑक्सीजन बीटा डाइकीटोनेट में क्या होती है, बॉन्डेड होती है मेटल के साथ। तो यहां पर आप देखेंगे ये मोस्ट कॉमन कॉम्प्लेक्सेस हैं, जैसे ये बीटा डाइकीटोन है और यहां पर आप देख रहे हैं ऑक्सीजन 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 जो है वो मेटल के साथ डायरेक्ट अटैच्ड है, ठीक है। यहां पर आप देखिए कि जो ऑक्सीजन है वो मेटल के साथ डायरेक्टली अटैच्ड है, जो ऑक्सीजन है वो मेटल के साथ डायरेक्टली अटैच्ड है। तो ये मोस्ट कॉमन कॉम्प्लेक्सेस हैं जहां पर कार्बोनिल की जो ऑक्सीजन है वो मेटल के साथ बाइंड रहती है। लिगेंड जो है वो यूनिडेंटेड लिगेंड की तरह एक्ट कर सकते हैं, न्यूट्रल की तरह या बाइडेंटेड लिगेंड की तरह एक्ट कर सकते हैं। और यहां पर जो बॉन्डिंग है, मैंने आपसे कहा कि कार्बोनिल के ऑक्सीजन के थ्रू बाइंडिंग होती है। दूसरे तरीके की जो कॉम्प्लेक्स है वहां पर आप देखेंगे कार्बन के साथ क्या होता है, मेटल का बॉन्डिंग होता है। तो दूसरे तरीके के जो कॉम्प्लेक्स है वो है कार्बन बॉन्डेड मेटल डाइकीटोनेट कॉम्प्लेक्सेस। तो आप देखेंगे ये सीरियम सल्फर टेलूरियम मरकरी और जो ऑरिक है, उनके केस में जो बीटा डाइकीटोनेट्स होते हैं वो किस एटम के थ्रू बाइंड होते हैं, दे आर बाइंडेड थ्रो
कार्बन एटम ऑफ डाइकीटोनेट। तो ये कार्बन एटम के थ्रू बाइंड होते हैं, देखिए सल्फर के साथ। आप देखिए यहाँ पर जो गोल्ड है वो कार्बन के साथ बाइंड है। तो कुछ ऐसे कॉम्प्लेक्स हैं जहां पर कार्बन के थ्रू मेटल से बाइंड होती है बीटा डाइकीटोन। और तीसरी जो कैटेगरी वो है कार्बन एंड ऑक्सीजन बॉन्डेड बीटा डाइकीटोनेट कॉम्प्लेक्सेस। तो तीसरी कैटेगरी में आप पाएंगे कि जो मेटल है वो कार्बन और ऑक्सीजन दोनों के थ्रू बाइंड होता है, जैसे सिल्वर है, मैग्नीज है, निकल है, प्लेटिनम है, पैलेडियम है। तो इनके केस में आप देखेंगे, ये देखिए ये पैलेडियम है, ये ऑक्सीजन से भी बाइंड है और आप देखेंगे ये कार्बन के साथ भी बाइंड होता है। ओके, तो इस तरीके से आप देखेंगे कि ये जो बाइंडिंग है ये आप देखिए किस तरीके से ये जो कॉम्प्लेक्सेस हैं वो बाइंड हो सकते हैं। तो तीन तरीके से बाइंड हो सकते हैं, कार्बन के थ्रू, ऑक्सीजन के थ्रू या दोनों के थ्रू, कार्बन एंड ऑक्सीजन दोनों के थ्रू बाइंडिंग हो सकती है। ओके, तो यहाँ पर एक एक ग्रुप्स अटैच्ड होंगे, ठीक है। अब हम देखेंगे सिंथेसिस, जो सिंथेसिस है मेटल बीटा डाइकीटोनेट्स का वो कैसे हो सकता है। तो यहाँ पर जनरल मेथड्स दिए हैं मैंने, बहुत शॉर्ट में आपको बताया हुआ है कि अगर रिएक्शन हो मेटल सॉल्ट की विद दी इनोलिक फॉर्म, क्योंकि इनोलिक फॉर्म ज्यादा होती है तो इसलिए हम इसको HACAC दिखाते हैं। तो मेटल की डायरेक्ट रिएक्शन विद एसिटाइल एसीटोन, तो आप देखेंगे कि एक जो हाइड्रोजन आयन है वो रिप्लेस हो जाएगा और वहां पर ACAC एसिटाइल एसीटोन फिट हो जाएगा। तो इस तरीके से मेटल डाइकीटोनेट फॉर्म होते हैं। फिर आप देखेंगे कि जो मेटल डाइकीटोनेट्स होते हैं वो KMnO4 से रिएक्ट कर सकते हैं इन प्रेजेंस ऑफ एसिटाइल एसीटोन, और वो फर्दर दूसरे तरीके के एसिटाइल एसीटोन बना सकते हैं। या फिर आप देखेंगे कि जो सॉल्ट्स हैं कुछ मेटल्स के वो एसिटाइल एसीटोन से रिएक्ट करते हैं इन प्रेजेंस ऑफ सम ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, क्योंकि ये जो यहाँ पर जो कोबाल्ट है वो 2+ स्टेट में है और इसने 3+ स्टेट में कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन करना है, तो यहाँ पर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की जरूरत होगी जो कि H2O2 होता है, और ये ऑक्सीडाइज करके यहाँ पर आप देख सकते हैं मेटल बीटा डाइकीटोनेट का फॉर्मेशन करता है। तो जनरल मेथड है, मेन मेथड यही है कि जो मेटल है वो डायरेक्ट एसिटाइल एसीटोन से रिएक्ट करके मेटल बीटा डाइकीटोनेट का फॉर्मेशन करता है। अब अगर हम इनको देखें कि ये कितने तरीके के, इनके स्ट्रक्चर को अगर हम स्टडी करें ये कितने तरीके के पॉसिबल हैं, तो आप देखेंगे कि जो एक मैंने आपसे कहा था जो जनरल फॉर्म होती है वो MACAC होल ट्वाइस होती है। अब ये जो फॉर्म है इट मे बी ऑलिगोमेरिक, दो मोनोमर मिलके एक बना सकते हैं कंपाउंड, ट्राइमेरिक हो सकते हैं और टेट्रामेरिक हो सकते हैं। तो जनरली ऑलिगोमेरिक होते हैं, लेकिन जिंक, निकल एंड मैग्नीज के केस में ये ट्राइमेरिक फॉर्म बनाता है MnACAC ट्वाइस और होल थ्राइस, ट्राइमेरिक फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। अब आप देखिए जैसे TiCl2 ACAC2 है, ये देखिए आयरन का जो कॉम्प्लेक्स है ये डाइमर की फॉर्म में एग्जिस्ट कर रहा है। तो अलग अलग तरीके से ये फॉर्म कर सकता है, और कोबाल्ट का जो कॉम्प्लेक्स है वो टेट्रामेरिक फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। तो ये जो MACAC2 टाइप जो कॉम्प्लेक्सेस हैं वो डाइमेरिक हो सकते हैं, ट्राइमेरिक हो सकते हैं या टेट्रामेरिक फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं। तो MACAC को अगर आप देखेंगे तो सिंपल ये जो सिंपल फॉर्म है जहां पर आप देखेंगे कि जो मेटल सेंटर है वो आप देखिए कि स्क्वायर प्लेनर फॉर्म में इन चार ऑक्सीजन के साथ जुड़ा हुआ है। ये एक बीटा डाइकीटोनेट है, दूसरी बीटा डाइकीटोनेट है और एक ACAC हम इसे कहेंगे, दूसरा ACAC, तो MACAC होल ट्वाइस। तो इस तरीके से इसका स्ट्रक्चर हम शो कर सकते हैं। दूसरा आपको जो मैंने कहा कि ये टेट्रामर की फॉर्म में, ट्राइमेरिक फॉर्म में ये एग्जिस्ट कर सकते हैं, तो यहां पर आप देख सकते हैं कि निकल का जो एसिटाइल एसीटोन कॉम्प्लेक्स है वो टेट्रामेरिक फॉर्म में है। तो आप देखिए टेट्रामेरिक फॉर्म में, नो दिस इज इन द फॉर्म ऑफ ट्राइमेरिक, ये ट्राइमेरिक फॉर्म शो करता है। तो अगर आप देखेंगे ये कॉम्प्लेक्स जो है वो टाइप किसका है, NiACAC ट्वाइस, लेकिन ये ट्राइमेरिक फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। तो अगर हम इसमें देखेंगे कि तीन निकिल अगर आप देखेंगे तो ये लीनियरली प्रेजेंट है और हर एक निकिल हेक्सा कोऑर्डिनेटेड है। आप देखेंगे 1, 2, 3, 4, 5 एंड 6, 6 जो है वो एसिटाइल एसीटोन अरेंज्ड हैं, और इस तरीके से अरेंज्ड हैं कि एक निकिल जो है वो आप देखेंगे 6 ऑक्सीजन के साथ बाइंडेड होगा। देखिए एक इसके साथ बाइंडेड है, एक इस सेंटर के साथ, यहां से बाइंडेड है और यहां से बाइंडेड है। इसी तरीके से आप देखेंगे ये निकिल, देखिए ये ऐसे बाइंडेड है, ठीक है, ये 6 कोऑर्डिनेटेड है, देखिए हर एक निकिल,
और यह निकल भी आप देखेंगे दिस इज ऑल्सो हेक्सा कोऑर्डिनेटेड। तो इस तरीके से आप देखेंगे कि ये जो निकल एसी ट्वाइस कॉम्प्लेक्स है ये ट्राइमर की फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। अगर हम MACAC 3 टाइप कॉम्प्लेक्स को देखें तो टाइटेनियम है, क्रोमियम है, मैग्नीज है, आयरन है, कोबाल्ट है, इरिडियम है, ये इस तरीके के कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन करते हैं। और अगर हम इस कॉम्प्लेक्स का स्ट्रक्चर देखें तो सिंपल स्ट्रक्चर है, ऑक्टाहीड्रल फॉर्म में ये अरेंज्ड होगा, एक TI के चारों ओर 6 ऑक्सीजन अरेंज्ड होंगी। और जाहिर है कि ये जो कॉम्प्लेक्सेस हैं दे ऑल्सो शो ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म, जैसा आपने कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स में भी देखा होगा कि जो MAA टाइप कॉम्प्लेक्स होते हैं जहां पर AA एक बाइडेंटेड लिगेंड है, दे शो ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म, ये ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म में भी शो करते हैं। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर आप देख सकते हैं MACAC टाइप जो कॉम्प्लेक्स है, ये देखिए ये एक जो एनेंशियोमर है, ये इस एनेंशियोमर का क्या है, मिरर इमेज है, नॉन सुपर इम्पिजिबल मिरर इमेज है। सो दिस काइंड ऑफ एसिटाइल एसिटोनेट दे शो ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। फिर आप देखेंगे जो MACAC4 टाइप कॉम्प्लेक्सेस हैं, जनरली हॉफनियम जैसे बना रहा है, जो लेंथेनॉइड्स हैं वो इस तरीके के कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन करते हैं क्योंकि ये अपनी कोऑर्डिनेशन नंबर को एक्सटेंड कर सकते हैं। तो आप देख सकते हैं जो मेटल सेंटर है वो 8 कोऑर्डिनेटेड है, 8 ऑक्सीजन एटम इसके चारों ओर है, तो ये MACAC4 टाइप कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन करता है। जैसे जिरकोनियम है, हॉफनियम है, ये MACAC4 टाइप कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन करते हैं। नाउ व्हाट आर द एप्लीकेशंस ऑफ बीटा डाइकीटोनेट्स, जो मेटल बीटा डाइकीटोनेट्स हैं इनकी एप्लीकेशंस क्या हैं, क्यों हम इनकी स्टडी कर रहे हैं, क्या विशेषता है इनकी। तो बहुत जगह पर आप देखेंगे ये यूज किए जाते हैं, इंडस्ट्रियली इंपॉर्टेंट कंपाउंड्स हैं। और अगर ACAC कॉम्प्लेक्सेस को आप देखेंगे दे यूज्ड एज कैटालिस्ट इन ऑर्गेनिक सिंथेसिस, ये ऑर्गेनिक सिंथेसिस में कैटालिस्ट की तरह एक्ट करते हैं और NMR शिफ्ट रिएजेंट की तरह भी एक्ट किए जाते थे। ठीक है, तो लेंथेनॉइड के जो कॉम्प्लेक्सेस हैं वो NMR शिफ्ट रिएजेंट्स की तरह एक्ट करते हैं। अगर हम वेनेडियम के बीटा डाइकीटोनेट को देखें तो ये प्री कैटालिस्ट की तरह यूज किया जाता था टू प्रोड्यूस इथाइलिन प्रोपाइलिन डाइईन इलास्टोमर, तो इलास्टोमर्स को प्रिपेयर करने के लिए ये कैटालिस्ट की तरह यूज किया जाता था। अगर हम क्रोमियम के जो एसिटाइल एसिटोन कॉम्प्लेक्स को देखेंगे और रेयर अर्थ के बीटा डाइकीटोनेट्स को देखेंगे तो वो मैंने आपसे पहले ही कहा कि दे यूज एज NMR शिफ्ट रिएजेंट्स। जो MNACAC होल थ्राइस है, इट इज यूज्ड एज 1 इलेक्ट्रॉन ऑक्सीडेंट फॉर कपलिंग फिनॉल्स। तो ऑर्गेनिक सिंथेसिस में बहुत महत्व है इन बीटा डाइकीटोनेट्स का। अगर हम कॉपर का एसिटाइल एसीटोन देखेंगे तो ये माइकल एडिशन में कैटालिस्ट की तरह काम करता है। लेंथेनाइड बीटा की डाइकीटोनेट्स को देखेंगे तो वो डायल एल्डर रिएक्शन में भी कैटालिस्ट की तरह एक्ट करते हैं। तो आप देख सकते हैं डिफरेंट ऑर्गेनिक सिंथेटिक रिएक्शंस में दे एक्ट्स एज कैटालिस्ट। ओके, और अगर हम देखेंगे तो कुछ ऐसे बीटा डाइकीटोनेट्स भी हैं जो फिंगरप्रिंट एनालिसिस या फ्लोरीमेट्रिक एनालिसिस में भी यूज किए जाते हैं, ट्रेस एनालिसिस ऑफ अर्थ और फ्लोरो इम्यूनो ऐसे, तो ये इसमें यूज किए जाते हैं, फिंगरप्रिंट एनालिसिस में भी ये यूज किए जाते हैं। कुछ अगर आप देखेंगे कुछ बीटा डाइकीटोनेट्स जो हैं वो नेचुरल प्रोडक्ट्स में भी मिलते हैं, जैसे टर्मरिक है, हल्दी है, हल्दी में बीटा डाइकीटोनेट देखिए ये मिलता है कर्क्यूमिन, और कर्क्यूमिन में आप देखेंगे ये जो पार्ट है ये बीटा डाइकीटोन है, और ये जो बीटा डाइकीटोन है इट शोज द कीटो इनॉल आइसोमेरिज्म, सो दिस इज कीटोइनोल फॉर्म एंड दिस इज डाइकीटोन फॉर्म। तो आप देख रहे हैं नेचुरल प्रोडक्ट्स में भी जो डाइकीटोन्स हैं वो प्रेजेंट होते हैं, कितने इंपॉर्टेंट हैं। और जो हाइपरसियम हाइपीरिकम परफोरेटम है उसमें भी ये जो बीटा डाइकीटोनेट्स हैं ये पाए जाते हैं, और ये फार्मेकोलॉजिकली एक्टिव मटीरियल्स होते हैं। ठीक है, तो ये इनकी इंपॉर्टेंस बायोलॉजिकल सिस्टम में भी है। अब अगर आप देखेंगे कि जो गैलियम नाइट्रेट है वो क्या करता है, एंटी ट्यूमर एक्टिविटी शो करता है। ठीक है, यानी ब्लैडर कैंसर को ये रिमूव कर सकता है, उसको क्योर में उसकी हेल्प करता है। तो ये जो गैलियम बेस्ड ड्रग्स हैं इसका मतलब वो बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये जो गैलियम होता है ये कर्क्यूमिनोइड्स के साथ हाई एफिनिटी रखता है। ये जो कर्क्यूमिनोइड्स हैं जो कि बीटा डाइकीटोनेट्स है उनके साथ ये क्या बनाता है, कॉम्प्लेक्स फॉर्म करेगा। इसका मतलब है आप जानते हैं बीटा डाइकीटोन भी एक्टिव है
और जो गैलियम के जो कॉम्प्लेक्स हैं वो भी एक्टिव हैं, जब दोनों मिल जाएंगे तो वो कितने हाईली एक्टिव होंगे, तो आप समझ सकते हैं अगर हम गैलियम के बीटा डाइकेटोनेट्स बनाएं तो वो जो कैंसर थेरेपी में दे कैन बी यूज्ड। ओके, तो इस तरीके से आपने देखा कि जो बीटा डाइकेटोनेट्स हैं वो कितने इम्पॉर्टेंट हैं इंडस्ट्रियली, इम्पॉर्टेंट कंपाउंड्स ऑर्गेनिक सिंथेसिस में। अगर आप देखेंगे कुछ बीटा डाइकेटोनेट्स ऐसे भी हैं जो कि कॉन्ट्रास्ट एजेंट्स की तरह यूज किए जाते हैं इन डायग्नोस्टिक एंड मेडिकल, जो मेडिकल इमेजिंग है, क्योंकि ये सुप्रा मॉलिकुलर कॉम्प्लेक्स बना लेते हैं आसानी से। ओके, और ये हमने पहले ही बता दिया है कि ये इंटरमीडिएट और कैटालिस्ट की तरह एक्ट करते हैं वेरियस ड्रग कंपाउंड्स की सिंथेसिस में। तो इस तरीके से आपने देखा कि जो जो मेटल बीटा डाइकेटोनेट्स हैं वो कितने इम्पॉर्टेंट कंपाउंड्स हैं और ऑर्गेनिक सिंथेसिस में, मेडिकल में उनका एक बहुत बड़ा रोल होता है। तो नाउ वी विल समराइज आवर लेक्चर, अब हम अपने लेक्चर को कंक्लूड करेंगे, जहां पर आपने देखा कि पहले हमने डिस्कस किया कि मेटल बीटा डाइकेटोन्स होती क्या है। तो मेटल बीटा डाइकेटोनेट्स ऐसे कंपाउंड्स हैं जहां पर आप देखेंगे दो कार्बोनिल ग्रुप्स प्रेजेंट होते हैं और अल्फा कार्बन प्रेजेंट होगी, और डिफरेंट ग्रुप्स को एक्सचेंज करके हम डिफरेंट टाइप के बीटा डाइकेटोन बना सकते हैं। आपने देखा कि ये कीटो और इनोल फॉर्म के बीच में क्या रहता है, इक्विलिब्रियम रहता है, और ये जो बीटा कीटो इनोल फॉर्म है, इनमें से जो इनोल फॉर्म है ये मेजर फॉर्म है बीटा डाइकेटोनेट्स के केस में, क्योंकि ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग के थ्रू एंड जो आप देखेंगे ये कंजुगेशन के थ्रू जो है वो क्या रहता है, स्टेबलाइजेशन इसका रहता है। लेकिन कुछ फैक्टर्स ऐसे हैं जो इसको अफेक्ट कर देते हैं इस इक्विलिब्रियम को, और अगर एल्काइल ग्रुप्स हम अल्फा हाइड्रोजन की जगह पर अगर सब्स्टिट्यूट करेंगे तो इनोल फॉर्म है वो डिक्रीज हो जाती है। ऐसे ही आप देखेंगे अगर हम पोलर सॉल्वेंट लेंगे तो इनोल फॉर्म कम हो जाएगी, हाई टेम्परेचर लेंगे तो इनोल फॉर्म कम हो जाएगी, और इसका एसिडिक बिहेवियर भी इसी पर डिपेंड करता है कि जो अल्फा पोजिशन है वहां पर कौन सा सब्स्टिट्यूएंट मौजूद है। तो अगर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप होगा तो वो एसिडिटी को इंक्रीज कर देता है बीटा डाइकेटोन्स की। अब ये बीटा डाइकेटोन्स अगर आप देखेंगे तो मैंने आपसे कहा कि ये तीन तरीके के मेन होते हैं, ऑक्सीजन बॉन्डेड बीटा डाइकेटोनेट्स, कार्बन बॉन्डेड बीटा डाइकेटोनेट्स एंड कार्बन एंड ऑक्सीजन बॉन्डेड बीटा डाइकेटोनेट्स। और इनकी हमने सिंपल सी प्रिपरेशन देखी जहां पर आपने देखा कि मेटल की डायरेक्ट रिएक्शन जब एसिटाइल एसीटोन से की जाती है तो मेटल बीटा डाइकेटोनेट्स का फॉर्मेशन होता है। मेन तीन तरीके के आपने कॉम्प्लेक्स देखे, एमएसीएसी2 टाइप जो कॉम्प्लेक्स है, दे में भी ओलिगोमेरिक, दे में भी ट्राइमेरिक, दे में भी टेट्रामेरिक। तो ये सिंपल फॉर्म है एसीएसी टाइप मॉलिक्यूल की, जहां पर एम जो है वो स्क्वायर प्लेनर फॉर्म में ये एग्जिस्ट कर रहा है। फिर आपने देखा यहां पर जो कॉम्प्लेक्स है वो ट्राइमेरिक फॉर्म में एग्जिस्ट कर रहा है, निकल का कॉम्प्लेक्स। और आपने देखा कि जो ये जो कॉम्प्लेक्स है जहां पर MACAC3 टाइप कॉम्प्लेक्स है ये आइसोमेरिज में शो करते हैं। और इसके बाद आपने देखा कि जो एक टाइप है इसमें बॉन्डिंग का वो है MACAC4 टाइप कॉम्प्लेक्स, जहां पर मेटल सेंटर 8 कोऑर्डिनेटेड होता है ऑक्सीजन के साथ। और एप्लीकेशंस मेन आपने देखी कि ये डिफरेंट ऑर्गेनिक रिएक्शंस में कैटालिस्ट की तरह एक्ट करते हैं, जैसे माइकल एडिशन, डायल्स एल्डर रिएक्शन, कपलिंग रिएक्शंस और डिफरेंट ऑर्गेनिक सिंथेसिस में ये पार्टिसिपेट करते हैं, एनएमआर शिफ्ट रिएजेंट की तरह इनका यूज होता है। और आपने देखा जो बायोलॉजिकली जो मटेरियल्स हैं उनमें भी ये बीटा डाइकेटोनेट्स मिलते हैं जो कि गैलियम के साथ कॉम्प्लेक्स बना के उसकी एंटी ट्यूमर एक्टिविटी को बढ़ा सकते हैं। तो इस तरीके से कितने इंपॉर्टेंट हैं मेटल बीटा डाइकेटोनेट्स। सो दिस इज ऑल अबाउट द मेटल बीटा डाइकेटोनेट्स, and in the next lecture we will discuss about the metal thio beta diketonates. So thank you very much.